नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के नौगांव में हमारे संवाददाता की थाना प्रभारी संजय बेदिया से खास बातचीत। नौगांव नगर के थाना प्रभारी संजय बेदिया ने जब से नौगांव थाने की कमान संभाली है, तब से अपराधों के ग्राफ में तेजी से गिरावट आ गई है। चाहे अवैध शराब का कारोबार हो, जुए के अवैध धंधे, रेत का अवैध खनन, कोरोना काल में चल रहे लॉकडाउन का पालन या अन्य कोई अपराध, थाना प्रभारी की तेज तरार कार्य करने की शैली से इन सभी बिंदुओं पर तेजी से शिकंजा कसा गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक माननीय कुमार सौरभ के मार्गदर्शन में नौगांव नगर के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्रीनाथ सिंह बघेल के निर्देशन में आम जनता में पुलिस के प्रति एक सकारात्मक संदेश पहुंच रहा है। संजय बेदिया ने आज सुबह ही कीरतपुरा गांव से अवैध रूप से रेत से लदे एक महिंद्रा ट्रैक्टर को जब्त कर थाना परिसर में रखवा दिया है एवं मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी के इस तरह की ताबड़तोड़ कार्यवाहियों से खनन माफिया से लेकर हर तरह के अपराधियों के में खौफ की लहर दौड़ गई है। छतरपुर से ब्यूरो चीफ गजेंद्र साहू के साथ नौगांव संवाददाता चिरंजीत अहिरवार की रिपोर्ट। अवैध परिवहन करके ट्रैक्टर पकड़ा गया था, इसमें जब्त करके ट्रैक्टर को सुरक्षित खड़ा किया गया है और आगे कार्रवाई जारी है। इसमें आए दिन देखा जा रहा है कि आपके द्वारा लगातार अवैध उत्खनन पे एक्शन जारी है, तो आगे आने वाले समय में और क्या कैसा रहेगा सर? जी, अवैध उत्खनन पर जो कार्रवाई चल रही है वो निरंतर जारी रहेगी। जब तक उत्खनन पूर्णतः बंद नहीं हो जाएगा तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। धन्यवाद।